हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी घर आ गया, अपना गांव में है तो घर साफ कर रहे। देखो गाइस कितना गंदा हो गया घर, ये दीवार है ना इतना गंदा हो गया, तो हमने धो के देखा इसको। हमारा काका, छोटा काका है, मीन्स मेरा पापा का ब्रदर। हेलो वंदना, वो कंसा वीडियो। तो गाइस काम चल रहा है, देखो हमने वो दीवार को धो के देखा तो इतना क्लीन होता है देखो, क्योंकि नहीं देखने वाला नहीं है ना। ये वॉश किया हुआ दीवार है, ये बिना वॉश वाला दीवार है। बिना वॉश किया हुआ दीवार देखो काला काला हो गया। तो हम थोड़ा घर का डिजाइन को चेंज कर रहे हैं, कलर चेंज कर देंगे और कुछ डिजाइन चेंज कर देंगे ना। और ये छोटा भाई और जीजा, जीजा साला मिल के अच्छे से काम कर रहा है। ये छोटा साला, मैं बड़ा साला। तो इस तरफ भी साफ करना है गाइस, अभी ये दीवार भी पूरा वॉश करना है। तो गंदा हो गया, पूरा काला काला हो गया ना, आप लोग देख सकते हैं। अरे बहू बड़ी देखो, क्या करके आए तुम? बाल धो के आए। बाल धो के आए, अच्छा खाना वाना खा के बाल धो के आके। तो देखो नजर देखो गाइस ऐसा है। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा आज का घर में काम क्या चल रहा है, तो देख लीजिए। तो गांव में सब लोग हेल्प के लिए आया है, ठीक है। गांव का लाइफ ऐसा होता है, कब जब भी ज़रूरी होता है ना, अपना लोग, जो भी अपना लोग है, हेल्प के लिए ऐसे आ जाते हैं। गांव का लाइफ अलग ही रहता है गाइस, सिटी लाइफ और गाँव का लाइफ में ना बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पर एक दूसरे पर गाँव में इंसान को वैल्यू रखता है, हेल्प करते हैं, सब अपना लोग है। अभी देखिए पापा यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ सब अपना रिलेशन लोग है। नमस्कार, पापा स्वागत छ, स्वागत छ तपाईहरुलाई। तो बाकी लोग चल रहे काम। हमारा बड़ी बहू क्या बोलते है इसको इंग्लिश में, इस्कुस, इस्कुस लेके आ रहा है सब्जी बनाने के लिए। तो सब अपना रिलेशन लोग है, कोई बालू डाल रहा है, कोई लु चीज हल हल्का हाई हल भन्नु पर्यो, एकदम यूट्यूब में हाल दिन्छु हैन। ये इसका ही शादी है छोटा सा, पर इसको ही काम सबसे ज्यादा देना है। ओहो हो, यहाँ पे हमारा और ये निकल रहा है, ये गाइस देखो बैम्बो से निकलता है ऐसा। तो ये क्या होता है, हम रस्सी नहीं खरीदते हैं गांव में ना, रस्सी नहीं खरीदते, इसी से ही सब कुछ जो भी बांधना होता है इसी से बांधते हैं, क्योंकि रस्सी खरीदने का ज़रूरत नहीं है, रस्सी से भी स्ट्रांग रहता है ये। और ये देखो एक सुंदरी, ये तो अनार देखा ना, अनार देखा ना, आई हेलो बनना सीटो। तो रस्सी से भी स्ट्रांग होता है, मैं बात में आपको दिखाता हूँ भाई। हो ये तो डोरी भन्दा बलियो हुन्छ नि, तो हमारा नेचुरल होता है गाँव में ना सब कुछ। तो बैम्बू लेके आने वाला, बैम्बू काट के नीचे से लेके आ रहे हैं बैम्बू, अभी आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बहुत अच्छे से लेके आ रहे हैं बैम्बू। देखो गाइस इसका यूज ऐसे होता है, ओ, वो एक दो साल तक, मैक्सिमम दो साल तक रहेगा, तीन साल तक जा सकते हैं, बैम्बू थोड़ा अच्छा वाला है तो तीन साल तक रहेगा ये। देखो गाइस अभी गट्टा हो गया ना, कितना स्ट्रांग हुआ है, नेचुरल है, बस गांव का यही लाइफ है। ये भी आ गए, ओए कुटली कुटली, तो क्या हो गई, क्या हो जाए उन्हें आको, ओए ओए। ऐसा बात है ना गाइस, यहाँ पे जितना भी लोग हेल्प करने आए ना, पैसे के लिए नहीं आए, सब एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं, वो करना ही पड़ता है, यहाँ का रूल्स ही है गांव का। जब किसी के कुछ फंक्शन है कुछ भी हो आना ही पड़ता है, कमिटी है, कंपलसरी है, वो हर एक घर से आना ही पड़ेगा।
ऐसा है। मैं आप लोगों को अपना गाय दिखाऊंगा, गाय गाय गांव में जो भी एनिमल्स है ना। ओए हेलो 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 ओए बच्चू टू 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 बस तेरा मस्त का ओ लो ओए बच्चे ये इसका वो है बच्चा है ये मेरा बच्चा है तू क्या करेगा मेरा बच्चा है इधर आ जा बंदी ओए रोनी आ बा 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 ओए बा ये इतना सुंदर है देखो इसका आँख का आई लाइसेंस देखो ऐसा लगता है कि पालन में जाके लगा के आए जैसे दिखता है तेरा आई लाइसेंस पता है तेरा आई लाइसेंस पालन में जाके लगा के आए जैसे दिखता है देखो इतना सुंदरी है सुंदरी सुंदरी कुछ कुछ ये इसका बच्चा है दोनों का अपना अपना बच्चा लेके बैठा है दोनों मानो इसका गाइस आई लैसेस देखो ना इतना सुंदर है कि मेकअप करके लाया जैसे दिखता है इसका तो अभी ये लोग का खाने का टाइम है तो खा रहा है अपना ग्रास वगैरह और जो भी काऊ का तो ऐसा होता है ना अभी ग्रास खा रहा है वो लोग इससे पहले सुबह ही उठ के दाना बोलते हैं उसमें ना सब्जी वगैरह और वो एक खरीदते हैं ना कैरल फिडल वो सब खरीद के सुबह सुबह फर्स्ट गांव में पापा लोग उठ के चाय भी नहीं पीता है फर्स्ट आग जला के उसी का खाना बिठाते हैं वो बनने के बाद सुबह ही फिट कर दिया वो लोग ने क्योंकि उसकी वजह से वो मिल्क वगैरह अच्छे से आता है ना तो फिर वो मिल्क डेली डेयरी पे जाता है तो उसका पेमेंट होता है फिर पेमेंट होने के बाद वो लोग के लिए आता पैसा वो लोग के ऊपर जाता है क्योंकि वो कैरल फिडल सभी खरीदना पड़ता है बोरी बोरी लेके आना पड़ता है आधा वो लोग के लिए थोड़ा घर में चल जाता है ऐसा है। और हमारा शेंडुले हेलो यहाँ पे भालू बहुत उम्र हो गया भाई इस चीज़ का वो तो क्या मस्त ब्रीड है अभी बैंगलोर में होता ना ये ब्रीड का इतना वैल्यू होता यहाँ पे नहीं है पर ये ऊपर ठंड में रहने का डॉग है ऊपर से लेके आया उसको इसका बाल देखो ना हस्की का जैसा है। और यहाँ पे है हमारा बड़े बड़े गुजुर्ग लोग जो है इसको क्या बोलता है इलायची इंग्लिश में क्या बोलता है पता नहीं मुझे क्योंकि उतना एजुकेटेड हम भी नहीं है गूगल में चेक करना पड़ेगा तो इसको बोलते हैं इलायची आप लोग देख सकते हैं जब उससे उठाते हैं ना प्लांट से निकलते हैं तो वो ऐसा होता है फिर ये सब लोग मिल के इसको एक एक निकाल के एक एक काट के ये बन जाता है ऐसा 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 देखो एक एक इलायची ऐसा ऐसा होता है निकालने के बाद आप लोग देख सकते हैं ना ऐसा बनता है ये इलायची होता है पहले ये ऐसा होता है।